करीम अमाबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th का पहला लेसन मैथ का पढ़ने जा रहे हैं। उसकी मशक नंबर 1.1 हम पढ़ेंगे। उसके हल करने के 3 मेथड हैं, उनको मैंने लिखा है बोर्ड पे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, इस दुआ के साथ, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, जो फूल खिले वो बरसों खिला रहे, यहाँ से हज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्यारे बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्केयर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्केयर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द जनरल आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 3 मेथड्स हैं। नंबर एक, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज। नंबर एक, फैक्टराइजेशन। नंबर दो, कंप्लीटिंग स्क्वायर। नंबर 3, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज बच्चों आपको एग्जांपल पेश करूंगा। 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3x² माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये जो राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट थे, इनको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। अब हमने इनको अरेंज किया है तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 बना है। अब हम इसको कहते हैं कि पेयर मेथड, पेयर बनाने हैं। पहले 3 रकमें हैं, अब हम इनकी 4 बना के फिर इनमें से कॉमन लेंगे। उसका ये मेथड है कि फर्स्ट और लास्ट जो कोएफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा। अब 60 का हमने माइनस 7 बनाना है, तो हम पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5, तो ये हमारे पास बना है 3 2 12, 3 2 6, 6 2 12 और 5। हमने माइनस 7 बनाना है, बड़ा पेयर जो उसके साथ माइनस लगाएंगे, छोटे के साथ प्लस लगाएंगे। तो हमारे पास ये पहले जो 3 रकमें थी, अब 4 रकमें बन गई हैं। 3x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल 0। 3x मैंने कॉमन लिया, बाकी इधर रह गया x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल 0। अब हमारे पास इसमें से कॉमन आया x माइनस 4 और गैर कॉमन 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। अब हम इनका सॉल्यूशन सेट निकालने की तरफ जा रहे हैं। हम इनको आइदर और r लिखेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 4 और r, 3x प्लस 5 इज इक्वल 0, 3x इज इक्वल इधर प्लस 5 है, इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, x बराबर है माइनस 5/3। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखा, माइनस 5/3 व 4। इस तरीके से ये हमारा सवाल जो है अपने इत्मीनान को पहुंचा। अब हम इसी एक्सरसाइज की पहला जो सवाल है उसका पहला जुज पढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, x प्लस 7 एक्स माइनस 3 इजकल टू माइनस 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हम क्या करेंगे, पहले x को लेंगे, इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 7 लेंगे प्लस 7, इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा x² माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21। ये माइनस 7 है, इधर आगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब x³ प्लस 4x माइनस 3x और प्लस 7x, 7x बड़ा है उसके साथ प्लस का निशान है, इसलिए हमने
प्लस 4x लिखा, माइनस 21 में 7 निकाला तो माइनस 14 इज इक्वल 0। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है x की 2 प्लस 4 बाई 3 माइनस x बाई 7 इज इक्वल 1। प्यारे बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में 9th में एलसीएम लेने का मेथड पढ़ा है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास 21 आता है। अब हमने 21 एलसीएम लिया, फिर हमने 3 का टेबल 21 तक पढ़ा, 3 7s are 21, उस 7 को हमने पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 3s are 21, इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 1/1। अब हमने 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7x² + 28 - 3x इज इक्वल टू, साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 जो है ये 21 से मल्टीप्लाई होकर 121 बन गया। अब 7x² - 3x साथ ही मैं अरेंज कर रहा हूँ, प्लस 28 इधर 21 प्लस क्या इधर जाके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 7x² - 3x प्लस 28 में से माइनस 21 निकाला तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन भी अपने एंड पे पहुंचा। अब हम इस यूनिट का, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, वो है x / x + 1 + x / x + 1/x = 6। जिस तरीके से ऊपर मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया है, नीचे भी सेम इसी तरह, लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर रकम है, इसमें डिवाइड हो रहे हैं दो, एक एक्स और एक एक्स प्लस वन, ये दोनों मैंने एलसीएम बना लिए। अब मैंने पहली जो टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है या उसका जो डिनोमिनेटर है उसको उस एलसीएम से डिवाइड किया, तो एक्स प्लस वन उस एलसीएम से कैंसिल हो गया, बाकी एक्स बच गया, उस एक्स को ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह आगे एक्स जो है वो एलसीएम के साथ कैंसिल हो गया, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका एक्स प्लस वन और एलसीएम का एक्स प्लस वन, दो दफ़ा एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन का स्केयर बन गया। फिर हमने इसको क्या किया जी, एक्स प्लस वन का स्केयर जो है उसका खोला है, एक्स स्केयर अपनी जगह पर रहा, एक्स प्लस वन का स्केयर खोलें, एक्स स्केयर प्लस 2x + 1, जैसे हम कहते हैं पहली टर्म का स्केयर जमा 2 फार्मूले का, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म प्लस दूसरी रकम का स्केयर, उस तरीके से हमने खोला। नीचे जब आए तो x और x प्लस 1 इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया x² + x = 6। यहाँ पे मैंने लिखा है बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया और रकमों को अरेंज किया, 2x² + 2x + 1 = 6 × x² + x। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अभी जारी है, 2x² + 2x + 1 जैसा कि आपने इधर देखा वही लिखा, आगे 6 को x² + 1 x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 6x² + 6x। अब राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 6x² + 6x - 2x² - 2x - 1। आपको याद होगा कि जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पे कोई टर्म जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 6x² पॉजिटिव है और 2x² नेगेटिव है, 4x² पॉजिटिव। इसी तरह 6x पॉजिटिव है, 2x नेगेटिव है, 4x पॉजिटिव और माइनस 1 अपनी जगह पे। इस तरह ये सवाल भी अपने एंड पर पहुंचा। अब हम अगला इसका क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं, वो x + 4 - x - 2 - x - 2 / x + 4 = 0। बेटा, इससे पहले हमने दो क्वेश्चन किए हैं, उनमें हमने एलसीएम लिया है, यहाँ पे भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। जो हमारे पास दो टर्में दी हुई हैं, दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो एलसीएम बन जाएंगे, एक एक्स माइनस टू है और एक एक्स है, x × x - 2 एलसीएम आया। पहली जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर जो है वो एक्स माइनस टू है, वो कैंसिल हो गया, बाकी उसका एक्स एलसीएम का बचा और एक्स प्लस फोर उसका डिनोमिनेटर है, उन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस की जगह पे माइनस लगाया। इसके बाद ये एक्स जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से डिवाइड किया, एक्स एक्स से फिनिश हो गया, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू दो दफ़ा आया, एक्स माइनस टू का स्केयर बन गया प्लस फोर, आगे जो एलसीएम है x × x - 2 मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 0। अब बच्चों, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 4x - x - 2 का स्केयर खोलेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, आगे प्लस फोर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, नीचे भी मल्टीप्लाई किया एक्स को एक्स माइनस टू से तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल जीरो। अब दोबारा यहाँ पे फिर हम बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और साथ टर्में जो है उनको शार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स। आपने पढ़ा है जब बार माइनस का साइन हो अंदर जाके सिंबल जो है या साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, हमने साइन चेंज कर दिए इज इक्वल टू ज़ीरो आया, इधर माइनस एट एक्स और प्लस एट एक्स कैंसिल हो गया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैंने आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं बताया था, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो बी कांस्टेंट हमारे पास होता है उसकी जगह पे अगर हम ज़ीरो लगा दें तो उसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाकी हिस्सा बचता है उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरीके से इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री बट एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव बाई एक्स इज इक्वल टू वन। बेटा पहले की तरह दोबारा इस क्वेश्चन का भी हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया एक्स इंटू एक्स प्लस फोर, फिर हमने एक्स प्लस फोर को एक्स प्लस फोर से कैंसिल कर दिया डिवाइड करने से, बाकी बचा एक्स, इसको हमने इसके डिनोमिनेटर एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई किया। सेम उसी तरीके से ये एक्स जो है इसका डिनोमिनेटर इसके एलसीएम से कैंसिल हो गया, बाकी एक्स प्लस फोर बचा वो जाके एक्स माइनस फाइव से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फोर करो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू वन। इस नीचे एक्स को एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब हम बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एक यहाँ पे जो टर्म है इनको शार्ट कर दें, ये हमारे बचा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स का आंसर क्या आता है माइनस एक्स, आगे माइनस ट्वेंटी। नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इस साइड पर चला गया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जो राइट साइड पे टर्म है उनको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बाकी माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये थ्री एक्स प्लस का और एक्स प्लस का फोर एक्स और ये माइनस फोर एक्स और ये प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास बाकी बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इसको अपने पास से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास साइन चेंज हो गए, माइनस वाली रकम प्लस, प्लस वाली माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जिसका नाम है कि इसको सॉल्व करें बाई फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो। बेटा इसका ये मैथड होता है कि हम इसके पेयर बनाते हैं, पहले इसकी तीन रकमें हैं अब हम इसकी चार बनाएंगे। उसका बनाने का मेथड यह है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वन है इसका ट्वेंटी है, ट्वेंटी आ गया, अब हमने ट्वेंटी का माइनस एक बनाना है तो हम फाइव फोर जार ट्वेंटी माइनस बनाना है, बड़े पेयर के साथ प्लस लगाया और छोटे के साथ माइनस लगाया। अब हमारे पास पहले तीन रकमें थी, अब हमारे पास चूँकि हमने पेयर बनाने थे उसके लिए हमारे पास चार रकमें रेडी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने एक्स कामन ले लिया इन दो टर्मों में से, बाकी एक्स माइनस फाइव इन दो में से फोर कामन निकल सकता है क्योंकि फोर फोर से भी डिवाइड होता है और फोर ट्वेंटी से भी डिवाइड होता है, तो हमारे पास एक्स माइनस फाइव। अब हम यहाँ पर एक्स माइनस फाइव दो दफ़ा है, इसको कामन ले लेते हैं, कामन एक तरफ और गैर कामन एक तरफ, एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम आइदर और आर लिखते हैं, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, सोल्यूशन सेट इज फाइव माइनस फोर। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन जो है दूसरा पार्ट वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का, थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस फाइव, थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई। फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो राइट साइड पर टर्म है उनको लेफ्ट साइड में ले आए, हमने इनको हल किया तो टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई इज इक्वल ज़ीरो आया। अब हमने इनमें से y कामन लिया, y इंटू टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब y इज इक्वल टू ज़ीरो
टू प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, इसी तरीके से जैसे आइदर और आर, वाई ज़ीरो है और टू वाई, इधर प्लस फाइव है इधर जाकर माइनस टू मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड, तो हमारे पास जवाब आया ज़ीरो माइनस फाइव बाई टू, यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है। आज इस तरीके से हमारा लेक्चर जो है वो अपने अहतमाम को पहुँचा। रमज़ान शरीफ है, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी नमाज पढ़ें और रोज़ा रखें और जितनी मुमकिन हो सके कुरान पाक की तलावत करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।